अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिना अवन बिना तंदूर के बेहतरीन और जायकेदार कीमे वाले नान की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ ये ज़बरदस्त किस्म के नान तैयार हो जाते हैं जो कि हम तवे पे बनाएंगे। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है क्योंकि मैं साथ साथ बहुत काम की बातें शेयर करती रहूँगी। अगर तो आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आज ही फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए 4 कप मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर ली है जो कि 500 ग्राम बनता है आधा किलो। ठीक है, इसको फैला देंगे, सेंटर में एक जगह बना लेंगे। इसमें आधा कप नीम गरम दूध डालेंगे। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा नीम गरम। 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, ये एक्टिव ड्राई ईस्ट नहीं है, इंस्टेंट ईस्ट। 1 खाने का चम्मच शुगर मतलब कि चीनी। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि दूध के साथ हमीर और चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए अच्छे तरीके से। आप लोग चाहें तो इसे हाथ से भी गूंद सकते हैं, जैसे रेगुलर रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह आप इसको हाथ से भी गूंदेंगे, कोई फ़र्क नहीं है। मैं स्टैंड मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक और थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें नीम गरम पानी डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। पानी जो है वो नीम गरम होना चाहिए और एक साथ आपने नहीं डालना है। थोड़ा सा मशीन को चलाएंगे, फिर से बता रही हूँ, हाथ से भी सेम इसी तरह ही आप गूंदेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करेंगे। 1 अंडा डालेंगे, अंडा भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 1/2 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा। अब थोड़ा थोड़ा सा नीम गरम पानी डालेंगे, जितनी भी ज़रूरत होगी मीडियम सॉफ्ट डो बनाने के लिए। जब आपको लगे कि डो की शक्ल में आ गया, मज़ीद और पानी नहीं जाएगा इसके अंदर, तब आपने 2 से 3 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है, लेकिन रेगुलर घी का भी यूज़ किया जा सकता है, ऑयल भी डाल सकते हैं। चलें, यहाँ पे इतना गूंदना है आपने इसको कि ये मुलायम हो जाए, जैसे रोटियों के लिए अच्छी तरह से हम आटा गूंदते हैं ना हाथ से, तो आपने इसको उतना ही गूंदना है कि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए, जैसे स्क्रीन में भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखें, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की डो हमारी बन गई है। हाथ से मैं काफ़ी डिटेल में रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ डो बनाने की। आप सर्च करें चिकन ब्रेड बाय कुकिंग विद पैशन, तो आप उस वीडियो से देख लेंगे हाथ से कैसे बनानी है। कवर करें 1 से 2 घंटे, जितना टाइम लगेगा इसको डबल होने में। उतनी देर कीमा तैयार कर लेते हैं। 500 ग्राम मेरे पास बीफ का कीमा है। 2 कप या फिर जितनी भी ज़रूरत होगी इसमें पानी डालेंगे। पानी डिपेंड करता है कि कीमा कितना बारीक है, कितना मोटा है। 1.5 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट। नमक डालेंगे अपने जायके के मुताबिक। कुटी हुई लाल मिर्चें जिसे चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा डालेंगे, 1 चाय का चम्मच। खुश्क धनिया साबुत है, 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच या फिर जायके के मुताबिक डालेंगे। हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी जो है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा, डिपेंड करता है कीमे कितना मोटा कितना पतला है। मैंने बारीक कीमा यूज़ किया और बारीक ही बेस्ट रहेगा। कवर करके 5 मिनट के लिए हाई हीट पे पकाएंगे। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 1/2 घंटा पकाना है मीडियम लो हीट पे, ताकि अच्छी तरह से कीमा जो है वो टेंडर हो जाए। दरमियान में आपने चेक करते रहना है, अगर पानी डालने की ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे। अब मीडियम हाई हीट पे इतना पका लें कि पानी खुश्क हो जाए, ऑलमोस्ट पानी इसका ड्राई हो गया। तो 1 खाने का चम्मच मैंने जैतून का तेल इस्तेमाल किया। आप कोई भी कुकिंग ऑयल या घी का यूज़ कर सकते हैं। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही जायकेदार ये तैयार होगा। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच खुश्क मेथी डाल देंगे और बुनाई जो है हम कंटिन्यू करेंगे। इसको आपने स्टिर फ्राई करते रहना, चम्मच को चलाते रहना मीडियम लो हीट पे। साथ ही इसके अंदर एक काफ़ी बड़े साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने रफ सा चॉप कर लिया। कप के हिसाब से बताऊँ तो तकरीबन 1.5 कप चॉप किया हुआ प्याज मैंने डाला है इसके अंदर। इतना कुक कर ले कि प्याज सॉफ्ट हो जाए, और पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी पानी हुआ तो आपके नान ख़राब हो जाएंगे। 1/2 चाय का चम्मच घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला। आप लोग मेरी गरम मसाला की रेसिपी ज़रूर चेक कीजिएगा, सर्च करें गरम मसाला बाय कुकिंग विद पैशन, क्योंकि ये बहुत खुशबूदार मसाला है, तो इससे काफ़ी फ़र्क आ जाएगा टेस्ट में। यहाँ पे कीमा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, मेक श्योर कि इसमें पानी ना हो। धनिया डालेंगे,
तकरीबन 4 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ धनिया में भी पानी बिल्कुल भी नहीं है। हरी मिर्चें डालेंगे अपने जायके के मुताबिक, डिपेंड करता है कि कितनी तीखी है। चलिए यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है वो तो तैयार होगी, साइड पे रख दें। यहाँ पे 1 घंटा हो गया है, आपके रूम टेम्परेचर पे टाइमिंग डिपेंड करती है, हो सकता है कि 1 घंटे में हो जाए या फिर जल्दी हो जाए या फिर ज़्यादा टाइम ले ले, 2 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी डो डबल या डबल से थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आप इसको यूज़ कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो फिर इसके अंदर खमीर की आपको स्मेल आएगी, स्पेशली गर्मियों में। आप इसके बोल बना लेंगे, आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रखिएगा, जितने भी नान आप बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से। मैं इतनी डो में 4 नान बनाऊंगी, तो मैंने 4 इक्वल साइज़ के बोल बना लिए हैं। पेड़े बना के इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, फिर से राइस होना स्टार्ट हो जाएंगे। उतनी देर हम क्या करेंगे, एक पुरानी सी पतीली लेंगे, उसमें नमक डालेंगे 1 से 1.5 कप। ये मैंने पहले से यूज़ किया हुआ नमक, तो इसलिए इसका कलर कुछ ऐसा है। कवर करके आप इसको मीडियम हाई हीट पर रख दें ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ठीक है, उतनी देर यहाँ पे जो बोल हैं हमारे ये भी राइस हो गए हैं, तो इसको रोल करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सरफेस पे आप लोग आटा स्प्रिंकल करेंगे, ये ऑल पर्पज़ फ्लावर है जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। हाथों से इसको प्रेस करेंगे जितना भी आसानी से हो जाए, उसके बाद रोलिंग पिन से आप इसको रोल करेंगे। अब इसके अंदर कीमे की स्टफिंग डालेंगे, मैंने तकरीबन 5 खाने के चम्मच भर के यूज़ किया है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसकी स्टफिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब साइड से आप डो को इकट्ठे करते हुए सेंटर में लेकर आएंगे, लेकिन मेक श्योर कि बहुत मोटी तय नहीं बना देनी, ज़्यादा मोटी। आप इसको जिस तरह से मैं पिंच करी, गौर करें बिल्कुल किनारे से मैंने पिंच किया है, और यहीं से ही इसको प्रेस कर देंगे ताकि डो हमारी इवन आउट हो जाए, नहीं तो फिर दरमियान में ना बड़ी मोटी सी एक बन जाती है आटे की लेयर। तो फिर से इसको हल्का सा मैदा लगाएंगे, मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, और इसको हाथों से प्रेस करके फैलाएंगे जितना फैलेगा, उसके बाद रोलिंग पिन से उलट पुलट करते हुए इसको रोल कर लेंगे। मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा खुश्क आटा इसके ऊपर ना लगे, हाथों से दबा के किसी छुरी से या किसी भी तेज़ चीज़ से आप हल्का सा सुराख कर दें ताकि जितना भी एयर इसके अंदर है वो निकल जाए। उसके बाद कोई लकड़ी का चम्मच या सिलिकॉन का कोई चम्मच ले लें और इस तरह से इसका पैटर्न बना लेंगे। आप अपनी उंगलियों से भी इंप्रेशन दे सकते हैं। इसके ऊपर इंप्रेशन देना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इसको कुक करेंगे तो ये गुब्बारे की तरह फूल ना जाए। अब इसको फ्लिप करेंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे, उल्टी साइड पे पानी लगाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पानी लगाना है। और नान रोल करने से पहले मैंने चूल्हे पे एक स्टिकी तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, ये पानी डाल के चेक करें, इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये तवा गर्म है। और जो नान का पानी वाली साइड है जिस पर पानी लगाया था वो तवे पे डालेंगे, और फिर से इस तरह से चम्मच की मदद से मैं इसको प्रेस करूँगी ताकि ये फूले ना। अब इसके ऊपर फेंटा हुआ अंडा लगाएंगे। आप लोग चाहें तो सिर्फ जर्दी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर चाहिए, या फिर दही भी लगा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर तिल लगाएंगे, मैंने वाइट तिल इस्तेमाल किया है, आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कलवंजी का भी यूज़ कर सकते हैं। इतना कुक करें मीडियम लो हीट पर कि नान आपको फूलता हुआ नज़र आए और इसके अंदर स्टीम निकलेगी, तो फिर आपने तवे को फ्लिप कर देना नमक वाली देचकी के ऊपर। इतनी देर फ्लिप करेंगे कि जब तक ये कलर ना आ जाए। मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं नान के कलर लाने में। आप एक चिमटे की मदद से इसको तवे से उतार लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपके बर्तन में भी 7 से 8 मिनट लगे, हो सकता है कि आपके चूल्हे की पावर ज़्यादा हो। बर्तन पे डिपेंड करता है कि देचकी कितनी मोटी है, कितनी हैवी है, कितनी लाइट है, तो उसी हिसाब से ही आप इसको टाइम देंगे। तो यहाँ पे घी है मेरे पास और थोड़ा सा मेरे पास धनिया है जो मैंने मिक्स करके इसके ऊपर ब्रश करूँगी। तो मेक श्योर अगर आप लोग नान फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इस तरीके से, तो आप बार बार नान को चेक करेंगे कि कलर आया कि नहीं आया। पहली बार जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अपने तवे, अपनी देचकी और अपने चूल्हे के हिसाब से कि एक नान को कलर आने में कितना टाइम लगता है। मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे। हो सकता है कि आपका नान 5 मिनट में ही कलर आ जाए नान के ऊपर, या 3 मिनट में भी आ जाए, तो अपने अपने चूल्हे की पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहली बार चेक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आसानी हो जाएगी। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म के जायकेदार हमारे नान तैयार हैं। अब आपको जितना भी कलर पसंद है आप उतनी देर के लिए इसको
कुक करेंगे। मैंने बस मुनासिब सा कलर दिया है, आप इससे ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लाइट रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। देसी घी और धनिया ब्रश करेंगे। अब ये बिल्कुल फ्रेश नान बने हैं, मैंने इसको कवर नहीं किया और आप इसकी सॉफ्टनेस माशाल्लाह चेक करें, रुई के जैसे सॉफ्ट, जायकेदार, मज़ेदार किस्म के नान। ये देखें, हाथ लगाने से टूट रहे हैं, इस कदर ये सॉफ्ट नान है। जब आप इसको कवर करके रख देंगे तो ये मज़ीद और सॉफ्ट हो जाएंगे। मुझे रेसिपी कंप्लीट करके कहीं जाना था, जल्दी जल्दी से मैंने बस नान आपको तोड़ के दिखा दिया है। आप लोग जब घर पे बनाएंगे तो कवर करके इसको रख दीजिएगा, ये अपनी ही स्टीम में मज़ीद और सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे फ्रेश नान खाने का ना एक अलग ही मज़ा है। तो ये देखें, स्टफिंग चेक करें, अच्छी खासी उसके अंदर स्टफिंग की है हम लोगों ने और बहुत ही जायकेदार। मैं कहती हूँ कि जो तंदूर से हमें नान मिलते हैं ना कीमे वाले, ये उस नान से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आप देखें इसकी बैक साइड भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे तंदूरी नान की होती है, तो कोई नहीं कह सकता कि ये आपने इस तरीके से बनाए हैं। साथ में मैंने इसको ग्रीन रायता सर्व किया। आप सर्च करें ग्रीन रायता बाय कुकिंग विद पैशन तो इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। माशाल्लाह मज़ेदार और खूबसूरत नान ये तैयार हुए हैं। अगर आप लोग भी घर पे बेहतरीन और जायकेदार नान तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके नान भी बेहतरीन तैयार होंगे। अगर रेसिपी ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक पिक्चर शेयर करना मत भूलिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, होममेड इज द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ बिना ओवन बिना तंदूर बेहतरीन किस्म के रोगनी नान बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जिसे देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये आपने तवे पे और पतीली का यूज़ करते हुए बनाए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म के नान ये तैयार हो जाते हैं। परफेक्ट रेसिपी के साथ साथ मैं यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आज फिर ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैदा है 4 कप जो कि 500 ग्राम बनता है आधा किलो, ठीक है। मैदा छान के यूज़ कर लीजिएगा 4 कप। मैं यहाँ पर स्टैंड मिक्सचर का यूज़ कर रही हूँ। फैला देंगे, दरमियान में एक थोड़ी सी जगह बना लेंगे, उसमें आधा कप नीम गरम दूध है। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीम गरम दूध डालेंगे। इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास, एक्टिव ड्राई ईस्ट नहीं है, ये इंस्टेंट ईस्ट है 1 खाने का चम्मच। चीनी 1 खाने का चम्मच। अगर आप लोग हाथ से डो बनाएंगे तो आप सेम उसी तरह ही बनाएंगे जैसे रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं होता इसके अंदर। इसको बस मिक्स कर लेंगे ताकि खमीर का जो दाना है ना वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए दूध के अंदर और चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। बस इतना इसको मिक्स करना है। तो नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। नमक बाद में डालेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक, पानी नीम गर्म, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं डालनी, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे। चलिए अब यहाँ पे मैं 1 अंडा डालूंगी बड़े साइज़ का। अंडा भी ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे अंडे का इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं जानी चाहिए। आधी चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी भी डालते रहेंगे। हमने इसकी मीडियम सॉफ्ट डो बनानी है। जब ये डो की शक्ल में आ जाए आपको लगे कि इसमें मज़ीद और पानी नहीं जाएगा तो फिर इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच घी जाएगा। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया, आप लोग बनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन मेल्टेड मक्खन भी डाल सकते हैं, या फिर अगर ना हो दोनों में से कोई चीज़ तो फिर आप कुकिंग ऑयल का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि इसमें घी का ही यूज़ किया जाए। तो देखें यहाँ पर मीडियम सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म की डो हमारी तैयार हो गई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हाथ से ये डो कैसे बना सकते हैं तो आप सर्च करें चिकन ब्रेड बाय कुकिंग विद पैशन, तो मैं इस तरह से डो बहुत डिटेल में हाथ से गूंदना सिखा चुकी हूँ। वैसे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, रोटी वाले आटे की तरह ही आपने इसको गूंद के मुलायम करना है। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के इसको कवर करके रख देंगे 1 से 2 घंटे। जैसा कि आजकल गर्मियां हैं तो ये 40-45 मिनट में बहुत अच्छी तरह से राइज हो जाएगी। हमारा घर क्योंकि ठंडा है तो यहाँ पे 1 घंटा मुझे लगा है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से। मैंने किचन काउंटर पे ही इसको छोड़ दिया था। जैसे ही ये डबल हो जाएगी तो आपने इसको यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे जी पराठे कोई बात नहीं, तो फिर खमीर की स्मेल आएगी डो के अंदर।
अब आप यहाँ पे खुश्क आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी डो हाथों पे नहीं चिपक रही, बहुत मुलायम है, तो मैं इसका बोल बना लूँगी, जो भी साइज़ आपको पसंद हो। इतनी क्वांटिटी में आप 4 से 6 नान बना सकते हैं आधा किलो मैदे में। मैंने 5 नान बनाया क्योंकि मैं बहुत मोटे मोटे नान नहीं बनाऊँगी। आप बोल बनाएं अपनी मर्ज़ी का साइज, जो भी आपको पसंद हो। कवर करें 10 से 15 मिनट के लिए, इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें। उतनी देर यहाँ पे एक पुराना सा बर्तन ले लें, कोई देचकी ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के फैला दें। नमक मैंने ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसका कलर कुछ ऐसा है। कवर करके इसको मीडियम हाई हीट पर रख दें ताकि अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो बोल हमने बना के रखे थे, ये राइस हो गए हैं। इसको थोड़ा सा डस्ट करेंगे खुश्क मैदे के साथ, हाथ की मदद से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और फिर रोलिंग पिन से इसको रोल कर लेंगे। कुछ लोग नान के किनारे बहुत मोटे बनाते हैं, मैं बिल्कुल एक जैसा सीधा नान तैयार करूंगी, लेकिन अगर आपको पसंद है मोटे किनारे तो फिर आप उसी हिसाब से इसको बेलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कोई सांचा नहीं है प्रोफेशनल, जो कमर्शियल सांचा होता है, तो मैं पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर स्क्रेपर का यूज़ करूँगी। आप लोग कोई भी कार्ड, या आप मुझे पता है जितनी भी ये किचन क्वींस मुझे देख रही हैं ना, किचन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल ही जाएगी जिससे आप लोग पैटर्न बना सकते हैं। अगर नहीं मिलती तो उंगलियों का इस्तेमाल करें और फिंगर इंप्रेशंस दे दें नान के ऊपर, बस बहुत ही आसान काम है। तो फिलहाल मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ इसका। जो भी पैटर्न आपको पसंद हो आप अपनी पसंद का बना सकते हैं। तो गौर कीजिए, नान मैंने पतले रखे हैं और किनारे भी बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई मैंने मोटा नहीं रखा किनारों को। फ्लिप करेंगे, मतलब के साइड इसकी चेंज करेंगे और पानी लगाएंगे अच्छे तरीके से। इतनी देर मैंने एक स्टिकी तवा चूल्हे पे रख दिया था अच्छे से गर्म होने के लिए। तवा जो है वो नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। पानी डाल के चेक करें कि तवा अच्छी तरह से गर्म है, फिर उसके ऊपर नान डालेंगे। अगर आपके पास स्टिकी तवा ना हो तो कोई फ्राई पैन यूज़ कर लें जो कि स्टिकी हो। वो भी ना हो तो कोई देचकी लेके उसकी उल्टी साइड यूज़ कर लें, स्टिकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे दही ब्रश की मदद से लगा लें या फिर अंडा फेंट के लगा लें, जो भी आपको पसंद हो। थोड़े से मैंने वाइट तिल लगाए हैं, आप लोग यहाँ पे ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कलंजी लगा सकते हैं। लो हीट पे आपने इसको पकाना है या मीडियम लो हीट पे, अपने तवे के हिसाब से, जब तक कि इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स ना आने लग जाएँ। आप इसको जो हम लोगों ने नमक गर्म करने के लिए रखा था, फ्लिप करके उसके ऊपर रखेंगे और ये देखें 7 से 8 मिनट लगे थे मुझे एक नान को इस तरह से कलर देने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके चूल्हे पे भी इतना ही टाइम लगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो 7-8 मिनट लगे थे एक नान पे। आप इसकी बैक साइड चेक करें, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि तंदूर में से निकलती है। तो हो सकता है कि आपके चूल्हे की पावर ज़्यादा हो, स्पेशली अगर सुई गैस का चूल्हा है तो आपको 5 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, मे बी 3 मिनट लगे। तो पहली दफ़ा में आप बार बार चेक करेंगे कि नान को कितना टाइम लग रहा है, दूसरी दफ़ा में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा अपने चूल्हे और अपने देचकी के हिसाब से कि एक नान को कितना टाइम लगता है। ठीक है, पहली बार में नज़र रखिएगा। अभी आपने नान देखा ना कितना पतला है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ फ्लिप करके, ये देखिए फूल गया ना, डबल से भी ज़्यादा हो गया फूल के। तो मतलब कि हमने डो बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। तो फर्स्ट टाइम में आपने बार बार चेक करना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि भाई आपके तवे पे, चूल्हे पे और देचकी के हिसाब से एक नान को कितना टाइम लग रहा है। इस तरह से एक चिमटा लेंगे, चिमटे की मदद से इसको उतार लेंगे। डार्क कलर, लाइट कलर, जो भी आपको पसंद हो। अगर आप दही नहीं लगाना चाहते, ज़्यादा प्यारा कलर चाहिए, तो फिर आप अंडा फेंट के लगाइएगा, क्योंकि अंडे से कलर जो है वो ज़्यादा डार्क आता है। ठीक है, मैंने दही का इस्तेमाल किया इसके अंदर। अब आपने नान के ऊपर पानी लगाना है तवे से उतारने के फ़ौरन बाद। पहले मैंने पानी लगाया, पानी लगाने के बाद मैंने मक्खन लगाया। आप मक्खन की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल का। फॉइल पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा किचन टॉवल जो है वो ग्रीसी ना हो जाए, मतलब कि गंदा ना हो जाए। आप डेली बेसिस पे रोटियों को सॉफ्ट रखने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, हॉट पॉट या जिस तरह भी आप रोटियों को सॉफ्ट रखते हैं, आपने इस नान को भी उसी तरह से ही रखना है। नान हो या कोई भी ब्रेड हो, जब आप उसको पकाते हैं तो वो क्रिस्पी और हार्ड लगती है, लेकिन जब आप उसको कवर करके रखेंगे तो वो स्टीम में सॉफ्ट हो जाती है। तो आपने एकदम घबराना नहीं है कि भाई नान तो बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं। तो फ्रेश नान जो होते हैं वो ऐसे ही होंगे, जब आप उसको कवर करके इस तरह रख देंगे ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे रूइंग की तरह। 4 नान बन गए। चलिए भाई, ये लास्ट वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। अपनी मर्जी से कलर दीजिएगा, पानी ज़रूर लगाइएगा, पानी लगाने से नान सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, मक्खन लगाएंगे और ये देखें, ये भी मैंने बिल्कुल फ्रेश किया, तो काफ़ी गर्म है अभी,
इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा अपनी ही स्टीम के अंदर, तो पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे, इस कदर गर्म है अभी। इसको देख के कोई भी नहीं कह सकता है कि ये आपने तवे पे तैयार किए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे तैयार होते हैं। सॉफ्टनेस चेक करवाऊँ मैं आपको, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, रुई की तरह सॉफ्ट और जायके में बेहतरीन। बिना ओवन के बिना तंदूर के नान बनाने में टाइम ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर घर पे तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आधा किलो मैदा यूज़ किया जिसमें मैंने 5 नान बनाए हैं, आप अगर थोड़े मोटे बनाना चाहते हैं तो फिर 4 बना लीजिएगा, छोटे बनाना चाहते हैं तो 6 बना लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, 4 से 6 नान आप तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जाते जाते प्यारा सा एक कॉमेंट भी करते जाइएगा, और अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।